Hello everyone, in this video we are going to read the fifth chapter of English course book. The title of the chapter is The Cake Thief. Thief means one who steals something, जो कि चीज़ें चोरी करता हो, और we can say it चोर. So in this story, who steals, who thieves the cakes, that's the main point of the story. So it was early in the morning. The people of the house had not yet woken up. Mitty Mouse said to his mother, "Mama, these people are so kind. They leave such nice things in the kitchen for us to eat." तो ये सुबह का वक्त है जब घर के बाकी सभी लोग अभी तक सोए हैं. They had not yet woken up. वो अभी तक जागे नहीं हैं. Mitty Mouse अपनी माँ से कह रहा होता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने kind हैं, कितने दयालु हैं. इन लोगों ने किचन में हमारे खाने को कितनी सारी चीज़ें रख छोड़ी हैं. दे लीव सच नाइस थिंग्स इन द किचन फॉर अस टू ईट. विद अ ट्विंकल इन हर आई मामा माउस सेड, वेल आई डोंट थिंक दे लाइक अस. तो अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ मामा माउस कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमें लाइक करते हैं. मिट्टी, यू आर नॉट टू लुक अबाउट इन द हाउस अलोन. तुम्हें घर में अकेले नहीं निकलना चाहिए. You think they are kind, तुम्हें लगता है कि वो kind हैं, but they may still try to catch you. लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करें. Mitty did not agree at all. Mitty बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ इस बात पे. उसे नहीं लग रहा था कि घर के लोग उसे पकड़ भी सकते हैं. He was quite sure he could take care of himself. वो काफ़ी श्योर था कि वो खुद की मदद कर सकता है. Now soon Mama Mouse curled herself अप फॉर द आफ्टरनून नैप. तभी थोड़ी ही देर के बाद मामा माउस ने खुद को तो समेट लिया दोपहर के हल्की नींद के लिए. नैप मीन्स स्लाइट स्लीप, हल्की सी नींद. तो मामा माउस ने खुद को तो हल्की सी नींद के लिए समेट लिया और सो गई. मिट्टी स्कैम्पर्ड इनटू द किचन. लेकिन मिट्टी अभी भी किचन में घूम रही थी. स्कैम्पर्ड मीन्स ran quickly, घूमना. And there on the kitchen table was the most wonderful thing. और वहाँ पे किचन टेबल पे रखा था एक बहुत ही wonderful thing, बहुत ही interesting thing, a large cake with beautiful pink and white icing. उसके ऊपर एक beautiful केक रखा था जिसपे कि white और pink icing भी थे. Now let's read further. Mitty licked his lips as he sniffed it. I must taste this, and he started nibbling it. तो मिकी को तो जैसे कि मुँह में पानी आ गया हो. वो कहता है कि मुझे तो इसे टेस्ट करना है, और उसने इसे कुतरना भी शुरू कर दिया. He didn't know that he was nibbling away at little Miss Bluebell's birthday cake. उसे नहीं पता था कि वो मिस ब्लूबेल के बर्थडे केक को कुतर रहा था. Nibbling means अपने दांतों से कुतरना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना. देन ही हर्ड अ साउंड. तभी उसने एक साउंड सुना. ओह डियर, दैट्स मामा वेकिंग अप. ऑफ ही रैन एंड वॉज बैक इन द होल अगेन. मामा माउस सैट रबिंग हर आइज. टाइम फॉर सब फूड मिट्टी, लेट्स गो, शी सेड. तभी ओह डियर उसने सुना कि मामा माउस जाग चुकी हैं. वो तुरंत ही भागकर अपने बिल में चला गया. मामा माउस अपनी आंखों को रगड़ते हुए उठती हैं और वो कहती हैं कि अब कुछ खाने का समय हो गया मिट्टी, चलो चला जाए. सो मिट्टी एंड मामा स्कैम्पर्ड इनटू द किचन. तो उन्होंने पूरे किचन का चक्कर लगाया. व्हेन शी सॉ द होल इन द केक शी वॉज अनॉयड. जब उन्होंने केक में छोटा सा होल देखा, छोटा सा छेद देखा, तो वो काफ़ी गुस्सा हुई. सम अदर माउस हैज़ बीन हियर बिफोर अस, शी सेड. वो कहती हैं कि शायद कोई और चूहा हमारे आने से पहले इसमें यहाँ आया था. शी नेवर गेस्ट दैट इट वॉज हर ओन सन, लिटिल सन. उन्होंने ये गेस भी नहीं किया होगा कि उनका खुद का छोटा सा बच्चा यहाँ पर आकर के इस केक में होल लगा गया है. द नेक्स्ट मॉर्निंग मिट्टी पॉप्ड इनटू द किचन अगेन व्हेन हिज मदर वॉज अस्लीप. अगली सुबह मिट्टी दोबारा से उस किचन में आ जाता है जब उसकी माँ सो रही होती है. एट फर्स्ट ही कुड फाइंड नथिंग टू ईट. शुरू में तो उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला. बट देयर वॉज अ डिलीशियस स्मेल ऑफ चीज़. लेकिन वहाँ पे चीज़ की एक बड़ी ही खुशबू, अच्छी खुशबू आ रही थी.
बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही डिलीशियस खुशबू आ रही थी। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा और एक छोटा सा वुडन हाउस कमरे में कोने में पड़ा दिखा उसे। एंड दियर हंग द चीज़, और उसी में लटका था वो चीज़ का टुकड़ा, जस्ट इनसाइड इट, उसी के भीतर। इन रैन मिटी एंड क्लिक वेंट द वुडन हाउस, मिटी वॉज कॉट इन अ ट्रैप। अब मिटी जैसे ही उसके भीतर गया, उसका दरवाज़ा क्लिक साउंड के साथ बंद होता है और मिट्टी उस पिंजड़े में, उस ट्रैप में बंद हो जाता है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ मिट्टी इज कॉट इन अ रैट ट्रैप। सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी फर्दर। हियर वी सी अ लिटिल लेटर अ वुमन केम इनटू द किचन। थोड़ी देर के बाद एक वुमन किचन में आती है। शी कॉल्ड अ प्रिटी लिटिल गर्ल टू कम एंड सी द थिफ हु हैड ईटन हर केक। वो बुलाती है एक प्यारी सी छोटी बच्ची को ये देखने के लिए कि किस चोर ने उसके केक को खाया है। वॉट आर यू गोइंग टू डू विथ हिम मम, आस्क ब्लूबेल। ब्लूबेल पूछती है कि मम्मी आप इसके साथ अब क्या करने वाली हो। वाई फीड हिम टू किटी ऑफ कोर्स, हर मदर सेड। उसकी माँ कहती है कि क्यों, इसे तो मैं बिल्ली को खिलाऊंगी। ब्लूबेल्स काइंड हार्ट मेल्टेड व्हेन शी सॉ द टाइनी माउस। ब्लूबेल का जो काइंड हार्ट था, जो दयालु मिट्टी थी, वो छोटे से माउस को देखकर पिघल गई। यू डिडंट नो इट वॉज स्टीलिंग डिड यू लिटिल माउस, शी आस्क मिट्टी। वो मिट्टी से पूछती है कि तुम्हें नहीं पता था ना कि ये चोरी है, क्या तुम्हें पता था। नो स्क्वीक्ड मिट्टी सैडली। तो मिट्टी उदास होकर कहता है नो। एज सून एज हर मदर्स बैक वॉज टर्न्ड, काइंड हार्टेड ब्लूबेल ओपन्ड द डोर ऑफ द ट्रैप। और इसके पहले कि उसकी माँ, ब्लूबेल की माँ, उसकी तरफ वापस घूमती पलटती, तब तक काइंड हार्टेड ब्लूबेल ने ट्रैप के दरवाजे खोल दिए थे और मिट्टी वहाँ से भाग चुकी थी। मिट्टी रैन होम टू हिज मदर एज फास्ट एज ही कुड। मिट्टी दौड़कर अपने घर को भागी, अपनी माँ के पास जितनी तेज़ वो भाग सकती थी। शी कम्फर्टेड हिम, वहाँ उसकी माँ ने उसे हिम्मत पहुँचाया, उसे कम्फर्ट पहुँचाया, एंड ही फील्ड सेफ अगेन। और वो दोबारा से सेफ फील कर पा रहा था। ही प्रोमिस्ड नेवर टू डिसओबे हर अगेन। तब मिट्टी ने प्रॉमिस किया कि वो दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो अपने माँ की ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं करेगा। एंड यू कैन बी श्योर ही नेवर डिड, और तुम श्योर हो सकते हो कि उसने कभी ऐसा किया भी नहीं। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर वी सी अ रैट हु डज नॉट ओबे हर मदर गेट्स इनटू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड समहाउ बिकॉज ऑफ द काइंड हार्टेडनेस ऑफ दिस लिटिल गर्ल मिस ब्लूबेल, ही वॉज फाइनली एबल टू गेट बैक टू हिज मदर्स हाउस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी। इन आवर नेक्स्ट वीडियोज वी विल टॉक अबाउट अनदर लेसन। सो टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।